बंदर समेत सिंध के दीगर साहिली इलाकों की जानिब हो चुका। दुनिया को भी खबरदार कर दिया कि समुद्री तूफानों को कुदरती आफत हरगिज न समझा जाए। तो ये है तूफान के आने से पहले की खामोशी। जी हाँ, वार्निंग जारी हो चुकी है। कराची में तूफान जो है वो हिट करने वाला है। वाइपर जो है नाम का, और मैं समंदर से कुछ ही दूर के फासले पर हूँ। तो तूफान तो आ रहा है, बट फिर भी सब कुछ ही ओपन है। दिस इज़ द कमर्शियल स्ट्रीट्स, और यहाँ पर सारे ही तकरीबन जितने भी आउटलेट्स हैं सारे ही ओपन हैं, और उसके उस तरफ जो है वो समंदर है। तो या दिस इज़ द सीन। तो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये समंदर से काफ़ी करीब है जगह, दिस इज़ द कमर्शियल स्ट्रीट। और जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है, वो है हमारी साइकी। और हमारी साइकी ये कहती है कि जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है हमने वहीं पे जाना है। मौसम हो रहा है तूफान वाला, बारिश वाला, और हम सब अभी यहीं पे मौजूद हैं। शायद हम ख़तरे को सही से समझते नहीं। Just check this out. Ooh. This time full जो मौसम है ना वो cloudy हुआ हुआ है। You can see over there. नहीं पहले ऐसे थी ना, पहले बहुत डायरेक्शन इसकी ऐसे थी, जूनागढ़ की तरफ ही जा रहा था उधर उस तरफ। लगा कि ये ऐसे होगी तो ये ऐसे भी हो सकती है। हाँ घूमेगी ना, लेकिन अभी देखो आ रहा है कराची की तरफ जो है ना, पूरे निकल रहे हैं उसकी चीजें। हाँ हाँ घूम के ना ओमान की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी सेंटर जो है ना वो कराची आ चुका है। सो इट्स आवर डे टू, और आप मेरे पीछे देख सकते हो बस अब तूफान कुछ ही देर में आने को है। मौसम हो चुका है, काफ़ी जगहों पे बारिश शुरू हो चुकी है। आई थिंक अब तैयारी कर लेनी चाहिए। और इस पूरे सिनेरियो में जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी हेडलाइंस। ज़रा हेडलाइंस पे एक नज़र मारते हैं।